हाँ तो यार मैं पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा का एक ऐसा अनोखा मैजिक है जिसको पर्दे पर लाने के लिए इस मूवी के मेकर्स ने अपनी लाइफ के पूरे 16 साल खर्च कर दिए, जिसके बाद फाइनली कुछ ऐसा बनकर हमारे सामने आया है जो सच में किसी पागलपन से कम नहीं है। द गॉड लाइफ, जो कि सच में एकदम गॉड लेवल की सर्वाइवल ड्रामा मूवी है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन सर का ये कैरेक्टर जंग लड़ता है अपनी ही जान को बचाने के लिए इस अरब के विशाल रेगिस्तान में, जिसमें वो आता तो अंगूर बनकर है लेकिन जाता किशमिश बनकर है। मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन सर के इस कैरेक्टर की जो एक इंटेंस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सीन किसी की भी आंखों में आंसू ला सकते हैं। मतलब जो बद से बदतर हालत हो जाती है ना उसकी, कुछ सालों बाद वो अपनी ही शक्ल को भूल जाता है जब वो एक गाड़ी के साइड मिरर में अपने आप को देखता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये इंसान यहाँ पे फंसा कैसे, तो वो भी बताता हूँ। तो भाई होता क्या है कि ये इंसान आता है एक छोटे से विलेज से अपने एक दोस्त के साथ जॉब की तलाश में सऊदी अरब, और वहां पर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर इनको मिलता है एक आदमी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इनको अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर उसने एक बीराने में बहुत सारे भेड़ बकरी और ऊंट पाल रखे हैं। तो पृथ्वीराज सुकुमारन सर के इस वाले कैरेक्टर, जिसका नाम नजीब होता है, एक गुलाम की तरह चरवाही की जॉब पर रखते हैं, और जो नजीब होता है वो अपनी मदर टंग मलयालम में बार बार बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन यहां के इस अरबी अंकल को उस नजीब की भाषा समझ नहीं आती है, और जब वो अरबी अंकल कुछ बोलता है अपनी अरबी भाषा में तो वो बुड्ढा क्या बोल रहा होता है वो नजीब के साथ साथ मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे अंदर भी अरबी लैंग्वेज की कोई इनकमिंग और आउटगोइंग सेवा उपलब्ध नहीं है। तो अब जो नजीब होता है वो इस डेजर्ट में फंस जाता है, तो नजीब जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो ये अरबी बोलने वाला बुड्ढा उसको मार मार कर लंगड़ा कर देता है और खाने को भी कुछ ज्यादा नहीं देता है, रोटी और पानी बस, और एक गुलाम की तरह उससे अपना काम करवाते हैं चरवाही का। तो अब आगे क्या होगा, क्या वो वहाँ से भाग कर यहाँ से निकल पाएगा या फिर नहीं, तो उसके लिए तो तुमको ये मूवी देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि ये बकरियों को चराने के लिए ये लोग बाहर ले जाते हैं तो चराते क्या है, क्योंकि बाहर तो बस रेत ही रेत है। तुमको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताओ। बाकी मूवी का BGM हर सीन में प्रॉपर जान डालने का काम करता है, और हम उस कैरेक्टर के स्ट्रगल को फील कर पाते हैं बराबर। बाकी मूवी बन टाइम वॉच है, और अगर मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मुझे जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।